अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आज का विजुअल बेसिक का जो प्रोग्राम हमने सॉल्व करना है, दैट इज क्रिएट सेल्स इनवॉइस व्हिच कंसिस्ट ऑफ द नेम ऑफ द प्रोडक्ट, प्राइस, क्वांटिटी एंड पेएबल बिल। ये किसी भी यूटिलिटी स्टोर पे अगर आप जाते हैं तो आपको जो आपने जो जो चीजें खरीदी होती हैं, जितनी प्रोडक्ट्स ली हैं, उनकी क्या क्वांटिटी है, क्या प्राइस है, उसके हिसाब से बिल जो जनरेट होना है, तो ये उसका प्रोग्राम हमने आज वीडियो बनाना है। कमांड बटन को आपने फॉर्म के ऊपर ड्रॉ करने के बाद उसके बैकएंड पे ये वाला कोड लिखना है जो मैं आपको बता रही हूँ। पहले सबसे आपने वेरिएबल्स जो है वो डिक्लेयर करने हैं, ठीक है। प्रोडक्ट का वेरिएबल है, प्राइस का है, क्वांटिटी का है और पेएबल बिल है आपका। और जो आपका पेएबल बिल है स्टार्टिंग में तो जीरो है, ठीक है। अब हम फर्दर शॉपिंग करेंगे तो देखते हैं कितना बिल बनता है, ठीक है। आपने यूजर से नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स पूछ लिए हैं कि तुमने भाई कितनी प्रोडक्ट्स ली हैं, ठीक है, क्योंकि उतनी प्रोडक्ट्स के लिए ही लूप चलेगी। लेट सपोज मैंने 10 आइटम्स खरीदे हैं, ठीक है, तो लूप ने चलना है 1 से लेके 10 तक। तो पहली प्रोडक्ट जो लेट सपोज आपने शैम्पू खरीदे हैं, उसका प्रोडक्ट का जो है यूजर से नाम ले लिया, उसकी प्राइस कितनी है, अगर आपने 2 शैम्पू लिए, 3 लिए या 1 लिए, क्वांटिटी कितनी है, ठीक है। उसके बाद आपने प्रिंट करवाया है प्रोडक्ट, प्राइस और क्वांटिटी, ठीक है। ये आपकी बेसिकली अगर आप ये लाइन नहीं लिखते तो आपको वो प्रॉपर व्यू नहीं नजर आएगा जो भी आपने वैल्यूज एंटर की होंगी, ठीक है। आउटपुट तो फिर भी नजर आएगी, लेकिन जो आपकी इनपुट वैल्यूज हैं उनको शो कराने के लिए आप जरा अच्छा जो है अपनी आउटपुट के लिए इसको लिख लें लाइन को, ठीक है। उसके बाद जो भी प्राइस है आपके प्रोडक्ट की, लेट्स सपोज शैम्पू आपका 200 रुपए का है, 3 ले लिया आपने, 200 ज़रब 3 आपके पास कितने आगे, 600, ठीक है। तो 0 + 600 अपेबल 600 है। फिर दूसरी प्रोडक्ट आपने लेट्स सपोज सोप्स ले लिए हैं, उनका नाम क्या है जी, प्राइस कितनी है, क्वांटिटी कितनी ली है, वो भी इसमें ऐड हो जाएगी। ऐसे करते करते सारी नंबर ऑफ जितनी भी प्रोडक्ट्स आपने खरीदी हैं उन सब की जो है नेम, प्राइस और क्वांटिटी प्रिंट होगी और उसका एक टोटल बिल बनता चला गया। नेक्स्ट आई के साथ आपने जितनी भी नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स ली हैं उन सब का आपने एक फाइंड आउट बिल कर लिया, जो कि पेएबल वाली जो है आपके पास वेरिएबल उसमें अमाउंट पड़ी हुई है। अब आपने प्रिंट करवा देना है कि टोटल बिल वीबी टैब M% पेएबल, तो पेएबल जो ही आपका ये वाला बिल है जो आपने उनको दे के आना है और प्रोसीजर जो है आपका एंड हो गया है। आपको आज की वीडियो कैसी लगी लाजमी बताइएगा।